अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन बिरयानी। हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए बनानी है। मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूंगी, और मेरी चैनल को आप लोग ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। चिकन बिरयानी के लिए मैंने कुछ मसाले रखे हैं, 2 चम्मच नमक, धनिया पाउडर और ये बिरयानी मसाला, हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच, 2 चम्मच मिर्ची, 2 टमाटर रखे हैं काट के, 4 प्याज और थोड़ा सा दही रखा है इसमें, 1 केजी चावल बासमती। मैंने बड़ा बर्तन लिया है, मुझे यहाँ पे गेस्ट आएंगे आज, उनके घर वालों के लिए भी बनाना है और उनके लिए भी। 2 मग पानी रखा है इसमें। अब मैं इसमें ये डालूंगी तेज पत्ता और ये दालचीनी के 2 टुकड़े, इलायची, और एक उबाल आएगा फिर हम इसमें अपना चावल ऐड करेंगे। पहले चावल को हम आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देते हैं। कढ़ाई में मैंने ऐड किया है तेल 3 चम्मच। इसमें मुझे अपने प्याज फ्राई करने हैं जो मैं बिरयानी के ऊपर से डालूंगी। ये पूरा नहीं डालना है, 2 प्याज 2 रखूंगी फिर इसके मसाले के लिए। हमारा तेल हो चुका है गरम, इसमें हम ये प्याज 2 ऐड करेंगे। जब तक ये पूरे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब तक इनको पकाना है। अब हम इसमें ये 2 चम्मच अपने नमक ऐड करेंगे पानी में। बिरयानी तो सब लोग अपने अपने घरों में बनाते हैं। आज जिस स्टाइल में मैं बनाऊंगी बिरयानी, वैसे भी आप लोग कभी ट्राई करना अपने घरों में। मार्केट की बिरयानी तो बहुत खाइए, घर पे भी कभी बनाया करना अपने घरों में, अच्छी लगती है घर की बिरयानी। देखें प्याज हमारे हो रहे हैं ब्राउन। अब हम इनको बाहर निकालेंगे। किसी पेपर के ऊपर रखना ऐसे फैला के। देखें ये देखें, पूरे मैंने फैला के रखे अच्छे से। अब इनको हम हटा के रख देते हैं। अब हम इसी तेल में 1 चम्मच हमने घी रखा है वो हम इसमें ऐड करेंगे। आपके पास होगा घी तो कर लेना, नहीं होगा तो ज़रूरत भी नहीं है। घी से थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में, इसलिए मैंने घी डाला है। जो हमें ये इसकी ग्रेवी बनानी है उसके लिए मैंने यही तेल रखा है, और ये जो प्याज रखे हैं काट के, 2 टमाटर, दही थोड़ी सी, 1 केजी चिकन। अब हम इसका ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसमें ये 2 प्याज ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे अच्छे से। पानी हमारा हो चुका है गरम, अब हम इसमें ये चावल अपना ऐड करेंगे। अब हमने जो 2 टमाटर रखे थे काट के वो इसमें ऐड करेंगे। हमें इन चावलों को ज्यादा नहीं पकाना है, इनका ये पानी हमें पूरा बाहर निकालना है। थोड़े से पक जाएंगे फिर हम पानी इनका बाहर करेंगे। इनको हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसको ढक के रख देंगे। यह हम थोड़ा सा पुदीना रखा है इसमें काट के, थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब इसको ढक्कन हटा के देखेंगे पक गए, तो कितने अच्छे से पक रहे हैं अंदर से टमाटर। अब इसमें हम ये पूरे अपने मसाले ऐड करेंगे, 2 चम्मच मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया मसाला, थोड़ा सा जीरा मसाला,
ये बिरयानी मसाला 3 चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं अपना चिकन 1 kg ऐड करूंगी। इसमें ज्यादा नमक नहीं डालना, मैंने थोड़ा सा ही डाला, पहले से ही मैंने चावल में डाल रखा है नमक। ये हमारे चावल अच्छे से पक गए, देखें। बस इनको इतना ही पकाना है। अब इसमें ये मसाले मैं बाहर निकालूंगी, फिर इसका पानी पूरा बाहर करके इसको एक साइड में रख देते हैं। इसका पानी मैंने पूरा बाहर निकाला, ये मिर्ची मैंने इसी में रखा है, बाकी पूरे मसाले बाहर किए। अब मैं इसमें ये दही ऐड करूंगी। मैंने आलू 2 रखे हैं बड़े बड़े पीस में कट करके, मैं इसमें आलू भी डालूंगी। आप डाल भी सकते हो, जैसे आपको पसंद होगा तो डाल सकते हो, मुझे पसंद है, मैंने इसमें आलू भी ऐड किए। अब इसके ऊपर मैं ये अपने 2 आलू जो काट के रखे हैं ये डालूंगी। सब के बनाने का तरीका अलग अलग होता है, अपने अपने हिसाब से सभी लोग बनाते हैं। कभी जैसे मैंने आज बनाया वैसे भी आप एक बार ट्राई करना। तो अब इसको थोड़ी देर ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देते हैं। चिकन अच्छे से पक जाएगा, ज़्यादा भी नहीं पकाना है चिकन को। अब हम इसका ढक्कन हटा के देखेंगे, देखें कितने अच्छे से पक रहा है। हमने थोड़े से खड़े मसाले रखे हैं, ऐड करेंगे। जो बिरयानी मसाला होता है उसमें तो सभी ये ऐड होते हैं, थोड़े से और डालेंगे। और मैंने चावल में भी रखा है ये खड़े मसाले डाल के, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने लास्ट पे ऊपर से ऐड किया। हमने रखा है थोड़ा सा पुदीना, ये भी इसमें ऐड करते हैं हम। धनिया भी ऊपर से ऐड करेंगे। इसको थोड़ी देर और ढक के रखेंगे पकने के लिए, थोड़ा सा अभी पकना बाकी है। देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से ये गल गया। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। आलू भी आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए आलू भी अच्छे से पक गए इसमें। हम करेंगे ये इसको बंद। ग्रेवी कितनी अच्छे से पक गई। अब यही बर्तन हमने 2 के रखा है, इसी में हम इसको दम पे रख देंगे। ये एक बर्तन में मैंने निकाल के रखा है पूरा चावल, पानी निकाल के, ये देखें। अब ये प्याज भी इसके ऊपर से डालने, बीच में भी फिर ऊपर से भी। थोड़ा सा धनिया और पुदीना मैंने और रखा है काट के, इसके ऊपर से बीच में भी ये भी डालना है पुदीना धनिया। अब मैं इसमें ये डालती जाऊंगी। इसके ऊपर ये थोड़े थोड़े प्याज, पुदीना थोड़ा थोड़ा,
ऐड करेंगे। दूसरा सेम ऐसे इसको भी करना है, ऐसे ही पूरा करते जाना है, ऐसे ही सेम जैसे मैंने आप लोगों से दिखाया ऐसे ही करना है। अब हमें इसको दम पे रखना है अच्छे से, इसे कवर करके, सिल्वर कवर अच्छे से। अब इसको मैं तवे के ऊपर रखूंगी, 10 मिनट तक इसको पकाना है। ढक्कन ऊपर से रख के इसको लो फ्लेम में पकाना है। हम इसका ढक्कन हटा के देखेंगे, 10 मिनट हो गए। देखें इसका फाइनल लुक। ये मैंने चटनी भी बना के रखा है इसके साथ, चटनी खाना ज़रूरी होता है, चटनी से अच्छा लगता है। चटनी आप लोगों से मैंने मतलब पीसना शेयर नहीं किया, सब लोगों को तो पता ही ये चटनी कैसे पीसते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।